अब समझ में आया कोई किसी को नंगा करता है तो कैसा लगता है? आप चाहे शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटे हाली में शुरू हुई थी, एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर। सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है, कपड़े हो या ना हो अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ये गोष्ट भेजत फिट कर, जो माल जाना होगा जाएगा, जो पैसा आना होगा आएगा, पर फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी मगर उसकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तेरे पास सिर्फ नकली इज्जत बचेगा, बाकी सब मैं छीन लेगा। चल हट वाला मोटा शाना। वर्दी के आपको पहचान नहीं पाया। ए टफी, चुप कर, बोलो ना चुप। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाय मंगलाय तनो ओम शांताकारम भुज विशयनम। तुम्हें चोट कैसे लगी? सब ठीक तो है ना? आधारम जगत सुंदरम शुभांगम पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था, उसको समझाया कि पुष्पा फायर है। लेकिन बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? हद से आगे बढ़ गई। क्या हुआ सर? पुष्पा सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं।